हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपके लिए फिर से एक नई ड्रेस लेके आई हूँ। आप लोग देख ही सकती हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो एक तो स्किप करके मत देखना और लाइक कर देना। लाइक करने में सच में आप इतने कंजूस हो ना, एक पैसा भी नहीं लगता तब भी लाइक नहीं करते। चलिए तो कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। नमस्ते, मैं कविता, मेरे अनुज कुमार चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम डिजाइनर कुर्ती बनाना, जो कि बहुत ही प्यारी कुर्ती होगी, जिसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। ये मेरा सैंटून का कपड़ा है, यानी कि थोड़ा थिक कपड़ा है, मोटा है ये और काफ़ी अच्छा है सर्दियों के लिए, काफ़ी अच्छा है, मोटा है, ठीक है। तो जिसके लिए मैंने ये नेट लिया है, ये देखिए, ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट के लिए चाहिए। तो मेरे पास एक पीस पड़ा था जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। जिसकी जो लेंथ है वो है 25 इंच, यानी 25 इंच, और जिसकी जो ये लंबाई है ये है हमारी लगभग 14.5 के बराबर बैठ रही है, ठीक है। वो निकाल देंगे तो इतना हमारे पास ये नेट है जिससे हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और नीचे हम बॉर्डर देंगे। तो जिसके लिए हमारे पास ये एक नेट है जो कि बॉर्डर शेप में कटा हुआ है, जिसकी हम नीचे बहुत ही प्यारी एक डिजाइनर फ्रिल बनाएंगे, ठीक है। तो और ये 3 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम इस कपड़े में से टॉप पार्ट के लिए और बाजू के लिए कपड़ा अलग कर देंगे, जो मेरा 3 मीटर कपड़ा है, ठीक है। इस कुर्ती में 3 मीटर कपड़ा ही लगता है। तो इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे, ठीक है। और मोड़ने के बाद अगर हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, अगर आप पतले हो, आपकी जो ब्रेस्ट है वो 28-30 के बीच में है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। जिनकी 36-40 के बीच में है उनको कैसे निकालना है, उनको इस तरीके से निकालना है, क्योंकि हमें चौड़ाई पूरी चाहिए और उसकी चौड़ाई 10 इंच बैठ रही है जो हम लंबाई वाली साइड से कर रहे हैं। तो हम यहाँ से लगभग 11-12 के इंच बराबर लेके और इतना फैब्रिक कट कर देंगे यहाँ से, और बाजू के लिए भी 16 इंच कपड़ा इसमें से कट कर लेंगे। मैंने इसमें से कपड़े कट कर लिए हैं, ये तो मैंने कर लिया है टॉप पार्ट के लिए और ये मैंने कर लिया है बाजू के लिए, ठीक है। ये दो कपड़े मैंने कट कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को बिछाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ बिछाना कैसे है कपड़े को। जैसे देखिए, इसको हम पहले 2 तह में करेंगे, ये इसकी 2 तह है, और फिर हम इसको 4 लेयर में कर देंगे, यानी कि 4 फोल्ड में। अभी ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। खुली साइड हमारी बाजू लगती है, बंद साइड हमारा गला बनता है। अब लंबाई देखेंगे, जैसे कि हम अपने जो टॉप पार्ट की लंबाई है वो लगभग यहाँ से 15 इंच की तैयार रखेंगे, तो हम यहाँ से 16 इंच पे इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से 16-16 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना के और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूंगी इसमें से, ठीक है। तो ये टॉप पार्ट के लिए कपड़ा आ गया है और चौड़ाई में मैंने इसको लगभग 11.5-12 के बीच में ही लिया है, जितना मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ से अपना शोल्डर ले लेती हूँ 7 इंच पे। आपका जितना भी शोल्डर है उसका आधा लेना है, जैसे हमारा 14 है तो उसका आधा 7 इंच आता है। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल लेंगे, यानी कि मुड्ढे लेंगे, वो भी हम 7 इंच पे ही लेंगे। और यहाँ से अपनी छाती का यानी ब्रेस्ट का 4वां हिस्सा लेना है और उसमें आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। जैसे हमारा ब्रेस्ट साइज है 36, जब हम 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 9 इंच पे, ठीक है। और उसमें हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये कपड़ा 11 इंच पे, इस तरीके से। अब यहाँ से आपकी जितनी भी कमर है उस हिसाब से आपको कमर का भी 4वां हिस्सा लेना है और उसमें भी आपको 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ से मैं लूँगी 9 इंच पे, और इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच कर देंगे। अब यहाँ से हम गोलाई दे लेंगे बैक और फ्रंट के लिए। तो यहाँ से ये तो हो गई हमारी बैक की और 1 इंच नीचे हो गई हमारे फ्रंट की, ठीक है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे और अब हम यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे। तो जो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच पे, और जो गले की लंबाई होगी उसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना भी आप पहनना पसंद करती हैं। जैसे मैं फ्रंट गले की 6.5 इंच रख रही हूँ, और जो आप पीछे का गला होगा उसे आप अगर डीप बनाना चाहती हैं तो आप डीप भी बना सकती हैं, अगर आप उसे छोटा बनाना चाहती हैं तो आप उसे छोटा भी बना सकती हैं। अब यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, तो पीछे वाले गले को मैं लगभग 3 इंच के बराबर रखूँगी। तो ये पीछे के गले का है, ठीक है। ये पूरी ड्राफ्टिंग टॉप पार्ट की हो गई है, अब कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ से जो मैंने निशान लगाए थे इससे आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ मैं। अब यहाँ से बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे सबसे पहले, यानी जो पीछे का पर्दा है पहले हम उसको अलग कर देंगे इसमें से, तब अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हाफ इंच का जो शोल्डर और पीछे का गला कट कर लेंगे सबसे पहले। अभी क्या करेंगे, इसमें से एक पर्दा हम अलग कर देंगे, ये पीछे वाला जो पर्दा है उसको हम अलग कर देंगे और इसको बराबर करके फिर से बिछा लेंगे सेट करके। और अब यहाँ से हम अपने आगे वाले गले की कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ से हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। और इसमें हमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी मोटा है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा आगे वाला गला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये कपड़ा लिया है इसके लिए हम कोटी की कटिंग करेंगे। तो इसको हम रखेंगे, मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे रखना है। तो आपको पहले इसको ऐसे दो फोल्ड, ये दो एक ही फ्रंट की कटेगी तो दो फोल्ड करके बिछा लीजिए आप इसको। और फिर आप यहाँ से इसका जितना भी आपका आर्म होल वगैरह है वो सब कुछ कट कर लीजिए इस तरीके से। इसको हम इससे लगभग 2 इंच ऊंचा रखेंगे जो ये वाला कपड़ा है इसको। तो इसीलिए आप या तो 2 इंच पे निशान लगा लीजिए या फिर आप अंदाज़ा करके भी ऐसे। तो मैं आपको एक बार नाप के दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने लगभग 2 इंच नीचे करके रखा है अपने टॉप पार्ट को, ठीक है। अब मैंने यहाँ से रख लेना है। अब मैं यहाँ से पहले आर्म होल की और इसकी पूरी ड्राफ्टिंग कर लूँगी जितना हमारा ये वाला है, क्योंकि ये इसी के साथ अटैच होगा तो बिल्कुल इसी के बराबर कट करना है आपको, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं कट करना है। अब हम यहाँ से भी इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से आती है हमारे गले की बारी। तो देखिए, अगर गला आप इससे थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहती हैं तो आप ऊंचा भी रख सकती हैं। अगर आप चाहें कि हम इसी के बराबर रखेंगे तो आप इसी के बराबर भी रख सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। हम इसको इससे छोटा रखेंगे, इस वाले गले को, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर बड़ा रखना चाहती हैं तो आप बड़ा भी रख सकती हैं। तो मैं यहाँ से सेम जो चौड़ाई का निशान है वो हमारा सेम लगेगा 3 इंच पे, ठीक है। और लंबाई में लगेगा ये यहाँ से भी सेम 3 इंच पे ही, यानी 3x3 का हो जाएगा हमारा ये। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कुछ जो ये वाली साइड है, बंद साइड है जो हमारी, यहाँ से निशान लगाएंगे हम 2 इंच पे, ठीक है। और हम इस निशान को, ये देखिए, यहाँ से हम एक निशान लगा लेंगे 8 इंच पे ऐसे, ठीक है। आप अंदाजे से भी कर सकती हैं। अब यहाँ से हम गोलाई देते हुए चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हम बिल्कुल इसको राउंड कट करेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे इसकी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमारा एक बटन लग जाएगा और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमारा इतना रहेगा जितना कि इसमें आ रहा है। आप चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकती हैं, आप इसे बिना अस्तर का भी रख सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा इससे इतना ऊंचा रहेगा, तो मैं इसमें अस्तर का यूज़ करूँगी। तो इसीलिए मैं इसमें कोई भी पट्टी वगैरह भी नहीं कट कर रही हूँ, इसमें अस्तर का यूज़ होगा हमारा। जो हमने बाजू के लिए कपड़ा कट किया था, ठीक है, इसमें से अब हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो बाजू के लिए हमें जितना फैब्रिक चाहिए उतना हम लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को बचा देंगे बंद वाली साइड से। तो यहाँ से हम इस तरीके से रख लेंगे इसको और लंबाई देखेंगे बाजू की कि कितनी लंबाई हम रखना चाहते हैं। जैसे कि हम बाजू की लंबाई रखेंगे अपनी 15 इंच पे, तो हम 16 इंच पे लेंगे, ठीक है, और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी निकाल देंगे।
चौड़ाई में हम इसे 8.5 इंच लेंगे। अब जो खुली वाली साइड है हमारी, ठीक है, ये खुली साइड है, ये बंद साइड है। अब खुली वाली साइड से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इस निशान को यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए, जैसे हम बाजू की शेप देते हैं उस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, हल्का सा फ्री हैंड करके आपको गोलाई देनी है। अब यहाँ से आपकी जितनी भी फिटिंग है बॉटम की, जैसे हमारी फिटिंग होगी 5.5 इंच पे, तो हम 7 इंच ले लेंगे यहाँ से, और इस निशान को हम इस तरीके से इससे मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए बाजू कट हो गई है, फ्रंट में हम 1/2 इंच की शेप दे लेंगे ऐसे, और पर्दे को खोल के ऐसे दोनों पर्दों को अलग करके तब ये कट करना है। हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, तो हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको जो घेरा कट होगा नीचे का, तो उसके लिए पहले आप 2 तह करके बिछा लीजिए, 2 मीटर से कम है थोड़ा सा कपड़ा। अब एक कोना पकड़ेंगे, ये देखिए, जैसे ये कोना लेके जाएंगे और ऐसे तिरछा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने तिरछा कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमने कमर वाले हिस्से कट किए थे उनको रख लेंगे हम इसके ऊपर ऐसे, और इसको हम लगभग इससे 1-1.5 इंच कम रखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट होता है और ये तिरछा होता है, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा कम करके रखेंगे। बाद में हम कट कर लेंगे अगर हमें लगेगा कि छोटा है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए ये। अब इसको नाप लेंगे हम यहाँ से, जैसे 9.5 आ रहा है तो 9.5 ही आना चाहिए हर तरफ से। अब जितनी भी लंबाई है वो हम ले लेंगे पूरी, जैसे कि हमारी लंबाई आ रही है हमारे पास यहाँ पे 31 इंच, ठीक है। तो हम 31 इंच पे पूरे में ये छोटे छोटे निशान लगा देंगे, और जो हमारा कपड़ा बचेगा उसे हम गले वगैरह में यूज कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे सेम जैसे हमने इसकी ड्राफ्टिंग की है। सभी निशानों को हमने एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है, बॉटम तक कटिंग, नीचे तक जहां तक निशान है वहां तक कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास घेरा आ गया है नीचे का, ये देखिए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि जो बंद साइड है उसको भी हम यहाँ से खोल देंगे, ताकि हमें बैक और फ्रंट के लिए अलग अलग पार्ट मिल सके। ऐसा रख के ये दोनों पार्ट को कि कहीं छोटे या बड़े तो नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार नाप के, ये देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कम करके कटिंग करते हैं हम, तो ये हमारा एकदम बराबर आता है। अगर हम इसी के बराबर कट करते तो ये हमारा बड़ा हो जाता, तो इसीलिए 1-1.5 इंच कम करके कट करें। तो चलिए फ्रेंड्स सिलाई शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना कोटी वाला पार्ट तैयार करेंगे, तो सेम अस्तर कट कर लिया है, आमने सामने रख के सिलाई करें, ताकि हमें उल्टे सीधे का कोई भी डर ना रहे। कई बार हम ऐसे ही सिल देते हैं ना बिना देखे, तो उल्टे सीधा हमारा हो जाता है जब अस्तर वाला पार्ट होता है। तो बस इसके चारों तरफ को सिलाइयाँ लगा देंगे, और इसका जहाँ से फिटिंग होगी वो वाला पार्ट और आर्म होल वाला पार्ट हम खाली छोड़ेंगे, गले से लेकर, और जो गोलाई वाला पार्ट है वहीं तक लगाएंगे, जो हमारा गले वाला साइड है वहाँ तक। अब इसको सीधा कर लेते हैं अच्छे से, और इसके ऊपर भी आप चाहें तो एक टॉप स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। ये हमारी कमर वाला हिस्सा है, और ये हमारा बॉटम वाला हिस्सा है, यानी कि नीचे का घेरा। तो यहाँ पे हम फ्रिल लगाएंगे, जो हमने नेट लिया था ये वाला नेट, इसकी हम फ्रिल लगाएंगे इसके ऊपर। तो हम इसको रख लेंगे, और लगभग हम 1 इंच तक, 1 से 2 इंच तक खाली सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। बना हुआ एक बॉर्डर था मेरे पास, काफ़ी दिनों से पड़ा था, तो मैंने कहा चलो एक यूनिक सी ड्रेस बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे ही लगाते जाएंगे पास पास, ये देखिए, यहाँ से इसको बस छोटा 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 करके हम प्लेट्स डालते जाएंगे। ध्यान रखें बैक और फ्रंट में दोनों साइड बराबर ही करके डालनी है प्लेट्स आपको। तो ऐसे जितना भी इसका घेरा है हमारा पूरे में लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे घेरे में इसको लगा लिया, इस पर कोई टॉप स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको नीचे से बॉटम से आप मोड़ना चाहती हैं तो मोड़ सकती हैं, लेकिन मैं इसको लगभग 1 से 1.5 इंच का मोड़ूंगी इस तरीके से। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आएगा, तो मैं इसको किनारे वाला पार्ट मोड़ लूँगी इसको पूरा। और सेम जैसे मैं आपको ये वाला बता रही हूँ, इसका जो पीछे वाला पार्ट तैयार होगा वो सेम ही होगा तैयार, उसका भी हमें ऐसे ही फ्रिल लगानी है, नीचे से बॉटम मोड़ना है। अब ये हमारा गला है, इसके ऊपर हमने तिरछी पट्टी कट कर ली थी बचे हुए कपड़े से, तो इस पट्टी को हम इस तरीके से
करके और लगाएंगे पूरे में। ये देखिए यहाँ से पूरे घुमाव दे के लगा लेंगे और फिर इसको उल्टी साइड को पलट देंगे। तो सीधी साइड को रख के लगाई थी, अब इसको उल्टी साइड को पूरी पट्टी को हम ऐसे पलट के और पूरा तैयार कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम अपनी कोटी अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा गला हो गया रेडी। अभी हमने ये जो पार्ट लिए हैं इनको हमें ऐसे रख लेना है आमने सामने। ये देखिए ऐसे रख लेना है आमने सामने और इनके ऊपर हम पहले इनका ये वाला पार्ट जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमने ये पार्ट जोड़ दिया है। अभी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं ये लेस। तो मैंने ये ब्लैक कलर की सीक्वेंस जैसी लेस है, मतलब इसमें सितारे का काम है, तो मैं इसको लगा लूँगी ब्लैक कलर के लिए। मैंने कॉम्बिनेशन बना के लिया है। अब इसको हम पूरी गोलाई के ऊपर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हम पूरे में इसको लगा के और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट करके फिर दूसरे पार्ट में भी सेम लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी गले वाली साइड को भी लग के। अब एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे, यहाँ से इसको पूरा सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया हमारा यहाँ तक लग के तैयार। तो मैंने दोनों पार्ट के ऊपर लगा ली है देखिए, और पिन लगा दूंगी एक एक ताकि ये जमा रहे, क्योंकि इसको हमें सिलाई नहीं करना है। यहाँ पे हमारी इस तरीके से हमने लटकन लिया, यहाँ पे डोरी लगा देंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ कमर वाला हिस्सा है ये, तो इस टॉप पार्ट को ऐसे उल्टा करके रख लेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे बराबर करके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कमर वाला हिस्सा, ये पीछे का पार्ट है, इसके साथ भी मैंने कमर वाला हिस्सा जोड़ लिया है। नीचे फ्रिल लगा ली है। अब दोनों का शोल्डर जोड़ देंगे। दोनों का शोल्डर जोड़ दिया है, इसमें बाजू लगा लेंगे जैसे हम सिंपल बाजू लगाते हैं। यहाँ से बाजू को रखेंगे और पूरे में ऐसे हम सिलाई करते हुए लाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ तक लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट कर देंगे हम। देखिए बिल्कुल बाजू ना छोटी है ना बड़ी, एकदम बराबर आई है हमारी। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और बाजू को नीचे से बॉटम से मोड़ के, आप चाहें तो कोई भी गोटा पत्ती या कोई ऐसी भी लेस इसके ऊपर लगा सकते हैं, वाइट कलर की लेस हो तो, जिससे इसका लुक अच्छा है। इसको मोड़ लेंगे। तो मैंने एक लेयर लगा दी गोटा पट्टी की, अब मैं इसकी फिटिंग करूँगी। तो फिटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी, जितनी भी आप फिटिंग में इसे पहनना पसंद करते हो। मैं इसकी परफेक्ट फिटिंग करूँगी। तो बस मैं ये ध्यान रखें कि एक तो टॉप पार्ट वाला पार्ट और एक ये आर्म होल वाले पार्ट, ये सभी मिलने चाहिए आपस में। कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा ना हो आपका, ये कमर वाले हिस्से मिलने चाहिए, नीचे से बॉटम वाले हिस्से मिलने चाहिए। अगर यहीं पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं तो पूरी कुर्ती ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान दें आप थोड़ा सा कटिंग करते टाइम ही। जब कटिंग करते हैं ना परफेक्ट तरीके से, तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है हमारा। तो ये देखिए ये हमारा पार्ट एकदम बराबर है, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। तो आपके सामने सीधा सिलाई लगाते हुए ला रही हूँ, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। अब दूसरी साइड हम सेम सिलाई लगाएंगे, सिलाई को हल्का खींच के प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर। तो दोनों साइड से सिलाई लग गई है। तो देखिए फ्रेंड्स कुर्ती बन के रेडी है। आप किसी भी शादी फंक्शन के लिए किसी भी फैब्रिक से ऐसी ही कुर्ती सेम बना सकती हो, थोड़ा और हैवी कपड़ा लेके बना सकते हो। मैंने सिंपल कपड़ा इसमें यूज़ किया है। आप सिक्वेंस के कपड़े से भी एक डिजाइनर ड्रेस बना के तैयार कर सकती हो। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।